लगता है उधर गई है, चलो वहां ढूंढते हैं। कि क्या सॉलिड धुलाई की। सुपर बेटा सुपर, इतने लोग होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। थैंक्स भाई। मुझे तुम्हारा बेकार थैंक्स बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे सोना चाहिए। सोना निकालो। निकालो मतलब तुम चोर हो? और क्या, तेरे लिए क्या अलग से विजिटिंग कार्ड छापूं? दिखाई ना देने वाला थैंक्स दे सकता है, दिखने वाला सोना नहीं देगा। निकालो निकालो जल्दी जल्दी, देख क्या रहा है बे, जल्दी निकालो। चलो ये तो चोर है, देख सोना निकालो। सुनिए जी, ये सोना आपने बहुत मेहनत से कमाया है, हम इसे मरकर भी नहीं दे सकते। बहन सही कह रही है भाई साहब। चलो चलो जल्दी करो। सब मिलकर सामना करते हैं, क्यों? जब खुद पे बनाई तो तेवर बदल गए। यूनिटी आ गई, यूनिटी। अरे मत मारो। जब उस लड़की पर हमला हो रहा था तब कहाँ गई थी यूनिटी? ये हिम्मत कहाँ गई थी तब? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? छे, खुद मुसीबत में ना पड़े तब तक रिएक्ट ना करना देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो इम्पोर्टेंस सोने और बैंक बैलेंस को देते हो, जब तक वो एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए नहीं दोगे तब तक देश और समाज ऐसे ही चलता रहेगा। सुधर जाओ यार। सॉरी भाई। नहीं, ना दिखने वाला सॉरी, दिल को ना छूने वाला थैंक्स सब वेस्ट है। कहना बंद करो, जो करना चाहिए वो करना शुरू करो। जा। तुमने बहुत अच्छी बात कही बेटा। तुम्हारे जैसी आग, गुस्सा और गर्मी अगर ये आजकल के नौजवानों में रहे तो सिर्फ ये देश ही नहीं सारा मनुष्य जीवन ही बदल जाएगा। जब तक तुम्हारे जैसा दमखम वाला इंसान है
किसी को भी अंधेरे से डरकर सूरज का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। भैया भैया मुझे कॉलेज ड्रॉप कर दो ना, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। जब देखो भैया कॉलेज ड्रॉप कर दो, भैया बस स्टॉप ड्रॉप कर दो, टॉर्चर कर दिया। चल क्यों छोटू, मेरी गाड़ी की चाबी तूने चुराई है ना? नहीं दीदी, मैंने नहीं ली। तो फिर ये क्या है, चोर कहीं का? ए डांट मत, अभी छोटा है वो। इस छोटू के टॉर्चर की वजह से ही स्कूल हॉलीडे स्टार्ट होते ही मौसी इसे यहाँ छोड़ के चली गई और खुद बैंकॉक में मजे ले रही हैं। बदमाश कहीं का। आ हा हा हा, लाइफ हो तो इसके जैसी, सारा दिन स्लीपर सारी रात हाइपर। रात में आने में इसे बहुत देर हो गई, बेचारा बेडरूम तक भी नहीं गया, यहीं पर सो गया। देखो इसे सोना नहीं गिरना कहते हैं माँ, जब ज्यादा पी लेते हैं तो बेडरूम का रास्ता भूलकर कहीं भी पड़ के सो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या बेडरूम क्या सोफा, जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं। प्लीज भैया उठो ना। ए चुपचाप सोने देना अपने भैया को। ओहो मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ, मैं एक हफ्ते से भाई से उनकी शादी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। शादी? हाँ माँ, पता है मेरे कॉलेज की लड़कियाँ इनके पीछे कितनी दीवानी है? उनमें सोनाली, हेतल, सेजल सबकी सब इन पे मरती हैं। देखो अपनी बहुओं को। अरे वाह, हिंदी फिल्मों के हीरोइन से भी सुंदर है। हिंदी फिल्मों की हीरोइन जैसी दिखती है? इसके दोस्तों की औकात बढ़ गई क्या? कदे पहले नहीं जा सकता था, क्या कर रहा है? उन सबको पार्टी के लिए बुलाकर भाई से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, इसीलिए पैसे चाहिए थे पर उठ ही नहीं रहे हैं। ठीक है मैं जा रही हूँ, इनकी तो किस्मत ही खराब है। माँ ये फोटोज मैं टेबल पर रख के जा रही हूँ। भैया जाग गए क्या? मेरे कॉलेज के दोस्तों को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने घर लाना चाहती थी, लेकिन आप हो कि थैंक्स भैया, आप कितने स्वीट हो, थैंक यू। जाओ जाओ। ओके बाय, मैं जा रही हूँ भैया, मैं शाम को हेतल, सेजल, सोनाली सबको घर लाऊंगी, ढोकला खाएंगे, बाय। इसकी फ्रेंड्स हीरोइन से भी सुंदर है, जरा एक नजर देखू तुम कहाँ रखे हैं फोटो। ओ माँ यहाँ भी नहीं है, कहाँ है? मम्मी। ए ची कितनी बास आ रही, अपना गटर जैसा मुंह बंद कर, तूने ब्रश नहीं किया अभी तक? सबसे पहले मैं अपनी माँ के दर्शन करता हूँ। अब मैं ब्रश कर लेता हूँ। मम्मी। क्या है बेटा? वो कहाँ है मम्मी? क्या क्या कहाँ है? फोटोज। कौन सी फोटोज? काव्या ने जो दिखाए थे ना। क्या दिखाया था? अरे क्या माँ, उसकी क्लासमेट्स दीपिका, करीना, कटरीना सब फिल्म हीरोइन जैसी दिखती हैं। मतलब तू सोया नहीं था? बदमाश कहीं का, बस बस हॉल में जाकर देख ले। ओके, नितिन तक को गर्लफ्रेंड्स मिलने वाली है। मम्मा क्या हुआ? ये कौन से एंगल से फिल्म हीरोइन दिखती हैं? मैं फिल्में नहीं देखती ना बेटा, सुंदर है इसलिए कह दिया। अरे ये हीरोइन की तरह दिखती नहीं है, ये सचमुच फिल्म की हीरोइन है। सच में? ये दीपिका पादुकोण, ये कटरीना कैफ और ये आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को पहचानती है? मम्मा इन्हें तो पहचान लेती, ये तो तुम्हारे ही जमाने की है ना। अरे बाप रे, मतलब तेरी बहन ने तुझे फिर से बकरा बना दिया क्या? रे तेरा पर्स गया फिर से। ज़्यादा हँसिए मत, पर्स आपका था। वो तेरे लिए लड़की ढूंढेगी, तूने सोच कैसे लिया? क्योंकि मैं बहुत भोला हूँ ना इसलिए। तुझे नौकरी दिलाकर अपॉइंट किया और तू पहले ही दिन डिसअपॉइंट करके चला आया, तेरे लिए क्या क्या करेंगे? अगर ऐसे ही बेरोजगार होकर आवारा घूमेगा तो कौन सी लड़की तुझसे शादी करेगी? हाँ हमारा स्टेटस देखकर कोई तुझसे शादी कर सकती है। बस बहुत हो गया, मैं आपको एक चांस दे रहा था, लेकिन आई हेट अरेंज्ड मैरिजेस। वेरी गुड, तो हमारी तरह लव मैरिज कर लेना अगर दम है तो। ओह बहुत बड़ा तीर मार लिया लव मैरिज करके। आपकी दया से मैंने दादाजी की शक्ल नहीं देखी है, जिंदा भी है या नहीं, और हम यहाँ हैं ये उन्हें पता भी है? तुझे अब तक घर से नहीं निकाला, इससे ज्यादा इनकरेज क्या करूंगा? आपका इनकरेजमेंट ठीक है, लेकिन मेरे टाइप की लड़की मिलनी भी तो चाहिए। Thank you.
स्ट्रेट लेफ्ट राइट स्ट्रेट लेफ्ट राइट ओके बाय। अजीब बात है, ये लड़की मुझे कैसे जानती है? कौन है ये लड़की? ए, यहाँ भी तेरे दोस्त है, तूने बताया नहीं? ए, मेरा कोई दोस्त नहीं है। है? फिर उसका नाम कैसे पता चला? मैंने तुझे बताया नहीं ना, मुझे फेस रीडिंग आती है। पागल हो गई हो क्या? रोड पर सबके सामने नितिन नितिन चिल्लाने की क्या जरूरत थी? हमारा राज इतने दिन छुपाए रखा, हम एक दिन बाद रजिस्टर्ड मैरिज करने वाले थे, अब सबके सामने तुमने ऐसे रजिस्टर्ड मैरिज? ए, कौन सी मैरिज? चुप करो, पब्लिक में इज्जत लूट कर फ्रेंड्स के सामने ओवर एक्टिंग। ओ, कहां फंस गई मैं? क्या ये? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये? मैंगो जूस। पागल हो क्या? ऐसे पब्लिक में सबके सामने मैंगो नींबू इमली खाओगी तो सबको हमारा मैटर पता चल जाएगा। कौन सा मैटर? मुझे बताओ, कल रूटीन चेकअप के लिए तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी या नहीं? तू प्रेग्नेंट भी हो गई? खुशी से पागल हो गई। तो क्या करूं, इसे मैं जानती ही नहीं हूँ। ओह, मतलब तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड धन्या को भी ये बात नहीं बताई? ओह शिट, मतलब मैंने सब कुछ बता दिया। हैं, तुमने क्या बताया? वही बात जो इसने तुमसे छुपाई। वही, नंदिनी ने क्या छुपाया? एक्चुअली उस वन मिनट, नंदिनी इसे बता दूं तो चलेगा? शट अप, ये मना कर रही है। हा? ऐसा कुछ भी नहीं तो है। बता दूं ना, एक्चुअली उस दिन ना बारिश हो रही थी। और ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसे नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती हूँ। अच्छा, अगर मुझे नहीं जानती तो मेरा नाम कैसे पुकारा तुमने? तुम्हारी बाइक पर लिखा था, वही देखकर पता चला। वन कोल्ड कॉफी विद हॉट समोसा प्लीज। चल। नंदिनी जी, एक्चुअली मैं आपको क्या है ये? तुम मुझे समझते क्या हो? हाँ, मेरे सीधेपन का फायदा उठाकर डायरेक्ट मुझे लव लेटर दे रहे हो? हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सुनिए ना, ये आपका बिल है, पेपर फोल्ड किया तो लव लेटर समझ लेंगी क्या? वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है, दीजिए ना लेटर लिख के देता हूँ। दीजिए, एक मिनट लिख के देता हूँ। अरे पता नहीं दोबारा कब नजर आएगी। क्या बात है? माँ, क्या कर रही हो? अरे माँ, तुम्हारे डैडी का जन्मदिन है ना? अरे तो हेलमेट मंदिर जाने के लिए रुको यार, पहना रही। माँ, उन्हें पहनाओ ना, मुझे क्यों? ए, उन्हें पहना चुकी हूँ, चल पीछे मुड़। हेलो, यू वांट टू सी माय मसल्स? यू वांट टू सी माय फ्रंट? यू वांट टू सी माय बैक? यू वांट टू सी माय बाइसेप्स? ए, मेरे पति को देखा, कितने संस्कारी हैं वो। संस्कारी का तो पता नहीं, अंडरवेयर एड के मॉडल लग रहे हैं। ए, मंदिर में आज बड़ी भीड़ है। इस मंदिर में स्पेशल दर्शन भी नहीं है। ए माँ, ये फैंसी ड्रेस के बिना अंदर नहीं जा सकते क्या? आज पापा का जन्मदिन है ना, तो कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत है? हे नितिन, वाओ, यू आर लुकिंग सो क्यूट। अरे यार, यहाँ भी आ गई। क्या नितिन? ए, तेरे तो बहुत फॉलोवर है। अरे काहे की फॉलोइंग यार, ये सब धोती की महानता है। अगर कोई फॉलो कर रही होती तो अब तक घर में आ चुकी होती, मगर कोई है ही नहीं। हेलो, मैं किसी को भी ऐसे ही घर में नहीं आने दूंगा। घर में एंट्री के लिए पहले हार्ट में एंट्री चाहिए। तो वहाँ कब होगी? Thank you.
सुनिए, ये कहाँ जा रहा है? लगता है बहू की एंट्री हो गई। अरे बेटा तुम? मैं? हाँ तुम। आप? अरे मुझे नहीं पहचाना, उस दिन ट्रेन में एक लड़की को बचाया था तुमने। ओके। अरे रुको तो सही बेटा, उस दिन कितनी अच्छी अच्छी बातें कही थी तुमने। मैंने? अच्छी बात नहीं? Are you sure? बेटा मूर्ति जी के बारे में क्या सोच रहे हो? वो किसी की झूठी तारीफ करें ये मैंने आज तक नहीं सुना है। अच्छा। अरे ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इस मंदिर के ट्रस्टी भी है। अरे बस करो, मेरे बारे में नहीं, इस महापुरुष के बारे में बात करो। कितना पकाएगा यार। इस समाज में हर युवा को कैसे रहना चाहिए कितनी अच्छी तरह से बताया तुमने। सुनो बेटा, एक बार उस दिन जो तुमने बातें बताई थी वो इन सबको भी बता दो ना। सर एक हफ्ते पहले की बात थी, कैसे याद रहेगी। एनीवे नाइस मीटिंग यू। अरे अरे बेटा तुम जा कहाँ रहे हो, बात तो सुनो। आजकल के नौजवान तुम्हारी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तुम्हारा एक एक शब्द वजनी था। बाप रे, सच कह रहा हूँ सर, मुझे याद नहीं है। ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी बातों में जुनून था। मूर्ति जी प्लीज बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे जाना है। कहाँ जाना है? अब जब मिल ही गए हो तो इस मंदिर में तुम्हारा एक छोटा सा सत्कार करने दो। क्या सत्कार? अरे साथ में मुंडन भी करवा दीजिए। वहाँ मेरे पेरेंट्स लाइन में खड़े होंगे। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे माता पिता लाइन में क्यों खड़े होंगे, ये मंदिर अपना ही है बेटा। चलो तुम सबके स्पेशल दर्शन करवाता हूँ, चलो मेरे साथ। सर सर कोई मिलने आ रहे? वो तुम देख लो ना। मेरी बात नहीं सुन रही है सर। ठीक है, सॉरी बेटा, मेरा आदमी तुम्हारे साथ जाएगा, सब देख लेगा, ठीक है। लेकिन बेटा जाने से पहले तुम्हारे माता पिता को मुझसे जरूर मिलवाना। इनके साथ जाओ। चलिए सर चलिए। अरे रुकिए, मैं ले चलता हूं। अरे चलिए सर। अरे घबराइए मत, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। देखिए सर, मना मत कीजिएगा प्लीज सर। नहीं बेटा, लोग यहाँ मंदिर में शांति के लिए आते हैं, यहाँ डांस क्लासेस चलाने से भक्तों को डिस्टर्बेंस होगा। सर प्लीज। देखो बेटा, इससे अच्छी तरह समझाना मुझे नहीं आता, अब बहुत हो गया, जाओ। चलो, ऐसी छोटी छोटी बातें मुझ तक लाते ही क्यों? पापा मैं जा रहा हूं। सुखी रहो, सदा सुखी रहो, तथास्तु। एक बार और सुखी रहो। पर तो ऐसे अचानक क्यों चला गया? लड़की के लिए और भला किस लिए? सुनिए, पवित्र मंदिर में बेटे पर अपवित्र आरोप मत लगाइए। इसी से पूछ लो ना। मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा वैसा नहीं है। हाँ देखा, माँ की आंखें हमेशा संतान पर होती हैं और बाप की आंखें संतान की हरकतों पर। क्यों रे, दिल में तो लड़की ने एंट्री कर ली है, अब घर में कब कराएगा? सुनिए, मेरे बेटे का मजाक मत उड़ाइए। मेरा बेटा चाहे तो शाम तक उस लड़की को चुटकी बजाते घर ले आएगा। थोड़ा वक्त दोगी कि नहीं? केबल का कनेक्शन है क्या कि शाम तक लग जाएगा? एक हफ्ते में लेकर आ जाऊंगा। अच्छा, चैलेंज चैलेंज चैलेंज। सुनिए जी, उसे यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है और आप इस तरह उसका मजाक उड़ा रहे। ऐसी चिंगारी से ही तो आग लगती है भगवान। कल इस तरफ एक और रेलिंग लगा देना, ठीक है? ए भगवान, इसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। प्रसाद। हाँ? पापा चलिए चलिए। नहीं जल्दी, किस लिए? चलिए ना, मैं बाद में बताता हूँ। माँ चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे क्या हुआ ये तो बताओ। बहुत बड़ा घपला है। क्या लड़की है, कल क्लासिकल डांस सिखा रही थी और आज कराटे सिखा रही है। जितनी बार नजर आती है सरप्राइज करती है। Hold on, I'm coming. अरे बेटा तुम? हे भगवान, आप यहाँ? तुम्हारे दर्शन की उम्मीद ही नहीं थी मुझे। हाँ सर, मैंने भी नहीं सोचा था। कल अचानक कहाँ गायब हो गए थे? कल किसी काम से जाना पड़ा था, पर आज वापस आ गया हूँ ना। Sense of humor. Friends, जानते हो ये कौन है? बस कीजिए सर, मुझे आप जानते हैं, ये कैसे पहचानेंगे? अच्छा हाँ? देखोगे? हाँ? Friends, early morning, train. पावर स्टार सुना है, सुपर स्टार सुना है, आखिर में बर्निंग स्टार भी सुना है, ये ट्रेन स्टार क्या होता है? एक और सरप्राइज देखोगे फ्रेंड्स। डायलॉग सोने और बैंक बैलेंस को जो इम्पोर्टेंस देते हो, वही इम्पोर्टेंस देश की बहू बेटियों को बचाने को क्यों नहीं देते? देश तुम पर फक्र करेगा, नाज करेगा। अरे लड़की चली गई। सर
क्या हुआ बेटा? अरे एक्सरसाइज कीजिए ना बेटा। बेटा नाम क्या है आपका? तुझे क्यों बताऊं? अच्छा तो तू इस टाइप का है, दिखाता हूँ तुझे। हेलो सर, विनायक बोल रहा हूँ। सर वो फिल्म में हीरो के बचपन का कैरेक्टर करने के लिए बच्चा मिल गया, लेकिन वो अपना नाम नहीं बता रहा है। ए भाई ए ऐसा मत करना भाई, ये नाम बता रहा हूँ ना, ये मेरा नाम सलमान है भाई। सर सलमान है सर। वन मिनट सर, उठ जा। बोलो भाई। तेरे टीचर का एड्रेस बता। अरे मेरा पता पूछना टीचर का काई को। हेलो सर, विनायक बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ रोड नंबर 11 सागर सोसाइटी। गुड बॉय। भाई क्या ऑडिशन के लिए कब आओ? ऑडिशन देगा तेरी तो। ए कूल जा स्कूल चल। ए भाई क्या? मैंने तुझे गलत एड्रेस बताया। ए रुक। ए सलमान पापू इतना लेट क्यों आया? पगार काट दूंगा। ए बोल बच्चन जल्दी बैठ। सॉरी भाई प्लीज मुझे एड्रेस बताइए ना। 2000 निकाल। अबे उससे पैसे क्यों मांग रहा है? आप चुप कर रहे बिजनेस से। निकाल निकाल। बताओ ना। मैंने पहले से ही एड्रेस बताया था। डैडी आज की कमाई मेरे पे क्या है बेटा? हे मिल गया एड्रेस, चल भाग। रेन ड्रॉप्स अपार्टमेंट्स। भैया मैं तो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। 500 रुपए बहुत ज्यादा है भैया, थोड़ा डिस्काउंट दो ना। क्या सोच रहे हो तुम लोग? क्या सोच रहे हो खुद के बारे में तुम लोग? यहाँ तुम लोग अकेले ही लवर्स हो? सिर्फ इसी शहर में जहाँ देखो हर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट के तौर पर हर दिन ड्रेस, दो दिन में पार्टी, हफ्ते में सेलफोन, महीने में छुट्टी और साल में गाड़ी देने के लिए रेडी होकर भूत की तरह घूम रहे हैं कोने में। ए सर हाँ हो गया सर। भाई फिर हमारा क्या होगा? जाइए सर सिग्नल ले जाइए, लाइसेंस है ना। ऐसे टाइम पे जब ब्यूटीफुल गर्ल्स रहती है ऐसे अपार्टमेंट में वॉचमैन का काम करते हुए उनके टाइमिंग और पसंद ना पसंद के बारे में कीमती इन्फॉर्मेशन देकर लाइन क्लियर करता हूँ और मेरी 500 रुपए फीस तक नहीं दे सके तो गर्लफ्रेंड को क्या खाक झेलोगे? तुम जैसे कड़के लोगों के लिए दोस्ता नहीं सही है। गेट लॉस्ट, आई एम ऑन ड्यूटी, चलो कल्टे। पैसे नहीं तो गर्लफ्रेंड नहीं, सीधी बात है। रमेश कौन है? तू कौन है बंटा है? मेरे को बोला है। काम बोल। यहाँ वो नंदिनी। वो म्यूजिक टीचर है। नहीं नहीं वो टाइमिंग पूछ रहे विनय टीचर का। नहीं 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 वो कराटे टीचर जो है। छह बजे। वो छह बजे क्या? मतलब वो लड़की। नो फ्री सर्विस सर, ओनली 500। हाँ श्योर, इतनी हेल्प कर रहा है, 500 रुपए तो बनता है। ये ले। ये तो बहुत अच्छा बकरा मिला है, पूरा हड़प लेता हूँ। सर पौवा या आधा मतलब इन्फॉर्मेशन फुल चाहिए? तो फिर 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ओ, 1000 रुपए चाहिए? ठीक है 500 का नोट दे दो। मैं 1000 का नोट देता हूँ। ओके सर, हफ्ता भर पीऊंगा आपके नाम पे। ठीक है ऐसा ही करते हैं। ये बकरा तो बिरयानी के काम आने वाला है, हलाल कर दूंगा। ये लो। सर बोले तो ये देख के मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है सर। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो धुंधला पर हटा दूं तो कुछ और दो ना सर। क्या कर रहे हो तुम भी यार, कसम से। किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, ऊपर वाला बदल सकता है। तो 5-10 की 15 ले ले। लगता बैंक चोरी करके आया है। ये लो। अरे इतने सारे नोट बापू। बाबू यू आर ग्रेट सर। टाइमिंग नोट करो, मॉर्निंग 6-7 कराटे क्लास, 7-8 एरोबिक क्लास, 8-9 भरतनाट्यम, 9-10 बजाते रहो, 10-11 सितार वादन, आईएएस और आईपीएस स्पेशल क्लासेस सर। इस तरह सारे दिन क्लासेस ही देते रहती है। आ रही है सर, मेरा क्लास नहीं ले ले। चली गई ना, पीछे रुकी तो नहीं है? चली गई सर। आज तो मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ, लेकिन आप जैसे 2-3 बकरे सर, आप जैसे 2-3 कस्टमर मिले ना तो ऐसे 2-3 फ्लैट खरीद कर बड़ा वॉचमैन बन जाऊंगा सर। थैंक यू सर, चलता हूँ। क्या बात है यार, ये तो मल्टी टैलेंटेड है, डार्लिंग है। ये कौन है जो अपनी छावी को फॉलो कर रहा है? क्या रे उसको फॉलो क्यों कर रहा है? मैं नहीं नहीं नो वे। अच्छा आप वो नंदा है क्या? कब से देख रहा हूँ,
ट्रस्ट मी ब्रो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा, एक लड़की को फॉलो कर रहा हूँ, चाहो तो देख लो। झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं भाई। अच्छा सच सच बता, क्या चाहता है तू? भाई शपथ भाई, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक लड़की में, वो वहाँ है ना। आप उन उसी लड़के की बात कर रहा है? नो मुझे लगा तुम खुद की बात कर रहे हो। हाँ ब्रो, मैं उस लड़की को फॉलो कर रहा हूँ। तेरे से पहले हम लोग वेटिंग लिस्ट में है, समझा? मतलब आप भी उस लड़की को? हाँ, हम भी उसे फॉलो कर रहे हैं। Awesome bro, क्या बात है, आप दिखते ठीक ठाक है पर आपका टेस्ट कमाल का है। इतनी टैलेंटेड लड़की की थोड़ी बहुत फॉलोइंग तो होनी ही चाहिए, है ना? इसलिए मैं भी फॉलो करूं। फॉलो करना छोड़ दे। ये क्या ब्रो, आपको फॉलो करने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप भी करो, देखते हैं क्या होता है। मतलब तुम मानेगा नहीं? मैं मानना नहीं चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? मैं कहूंगा तो आप मानेंगे क्या? ए, सीधे सीधे कह रहा हूँ, उस लड़की को छोड़ दे वरना। ओके माई डियर ब्रदर्स, आज से तुम लोग उस लड़की को फॉलो करना बंद करो। ये क्या ब्रो, इसी लैंग्वेज में बात करना था तो पहले ही बोल देते। ओ अच्छा, आ बात कर। सॉरी ब्रो, इस लैंग्वेज में जब गाली देता हूँ ना तो बहुत कस के पड़ती है। ट्रेलर देखने के बाद भी तुझे पिक्चर देखनी है? हाँ ठीक है, आजा। हाउसफुल हुआ तो बाद में मत कहना। ए बंटी, तेरा दिमाग स्लो है क्या? वो फिल्म का रिव्यू दे रहा है यार, देखो। बेटा झापड़ को क्या रेटिंग दोगे? 5। फाइव स्टार्स मिले यार, 5 स्टार्स। स्टार्स दिखा दूंगा तुझे तेरी तो। चल मैं अपनी जान बचा के निकल लेता हूँ, भाग। वो लोग तो समझदार निकले, तू तो बेवकूफ ही रहेगा। नमस्ते जी। ओवर एक्टिंग बंद करो। अरे आपके टैलेंट के आगे ये कुछ भी नहीं है। पॉइंट पे आओ। सरस्वती देवी के 4-5 हाथ हैं, फिर भी वो एक ही वीणा बजाती हैं। आपके सिर्फ 2 हाथ हैं, फिर भी आप कितनी कलाएं सिखाती हैं, कितने बच्चों का भविष्य सुधारती हैं। नंदिनी जी आप बहुत ग्रेट हैं, आप जैसी आर्टिस्ट के साथ एक कप कॉफी पीना मेरा एम्बिशन है, सो प्लीज। ये सब तुम्हें कैसे पता? तो तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? बाप रे, चाहे आपका जितना भी बड़ा फैन हूँ, जितना आप घूमती है उतना मैं नहीं घूम सकता। वो तो सुबह मंदिर, शाम को गार्डन, बीच में थोड़ी सी कॉफी, काफी है जिंदगी के लिए। तो आपके साथ एक कप कॉफी पी सकता हूँ? कॉफी तो क्या, पानी भी नहीं पीऊंगी, गेट लॉस्ट। अरे इतने नखरे ना करे तो वो सेलिब्रिटी कैसे कहलाएगी। ओके स्टॉप स्टॉप, चलो निकलो, चलो। क्या रे सर, राइड है क्या? सर कोई ड्रंक नहीं मिला। कैच हिम। अरे बाप रे, पुलिस को टोक दिया। नमस्ते सर। नाम क्या है तेरा? रमेश। क्या बोला? रमेश। ला इधर ला, जोर से बोल। रमेश सर। अबे चुप कर। अबे बेवड़े, क्या पिया तूने? लोगों का लीवर जलता है पर तूने मेरी मशीन ही जला दी। चाइना का माल होगा सर। सब प्रूफ होने के बाद मैं आपको सरेंडर करता हूँ सर। बच्चों को खत्म करता हूँ। देवड़ा है पर समझदार है, बहुत है। दोबारा आना अच्छी वाली पी के। तुम लोग क्या देख रहे हो? सबको मिलेगा 10-10 रुपया। चलो। ये क्या, बिना पावती के मैंने उसे 1000 रुपया क्यों दिया? लगता है 1 क्वार्टर ज्यादा पी लिया। नशे में हो तो क्या हो, मैं भी टैक्स भरता हूँ। डार्लिंग 1000 रुपए का झोल हो गया है। क्या रे, गया था वापस क्यों आया? सर ये झोल झाल बंद कीजिए और इज्जत से 500 लौटा दीजिए। अबे क्या बकवास कर रहा है? मुझे न्याय चाहिए सर। कैसा न्याय? बिना किसी चैलेंज के 1000 रुपया काहे के लिए दूं? वापस कीजिए सर।
भ्रष्टाचार नहीं चलेगा सर। क्या देख रहे हैं सर, मेरे 1000 में से 500 लौटा दीजिए, नहीं तो कंप्लेन करूंगा, कमिश्नर के पास जाऊंगा। क्या रे, कानून को चूना लगाता है नकली नोट देकर, उल्टा लटका के ऐसे फटके मारूंगा, सारी उतार दूंगा। वो नकली नोट कैसे है सर, मेरे को नहीं मालूम। तू थाने चल, तुझे दिन में तारे दिखाता हूँ। सर, 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 गलती हो गई सर, पी के ड्राइव करने के लिए 1000 रुपए दिए थे ना, और जो कानून तोड़ा उसे मिला के मैं आपको पैसे देता हूँ, ये लो सर 10000 रुपए रख लो। उल्टा करके देख। आज देखता हूँ ना उसमें क्या नोट। अरे सर ठीक है, अप्रूवल मिलते ही मुझे बता देना। ओके सर। नमस्ते। ए लड़की, तुम यहाँ क्या करने आई हो? नमस्ते सर, मेरा नाम नंदिनी है। आपको याद होगा मैं आपसे मिली थी वो उस दिन मंदिर में। हाँ हाँ याद है मुझे, सुंदरम अपार्टमेंट में भी बहुत बार देख चुका हूँ तुम्हें। हाँ सर, मैं सुंदर अंकल के अपार्टमेंट में ही रहती हूँ। मैं वहाँ पर डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, वीणा क्लास, योगा क्लास, मेडिटेशन। सीधे मुद्दे पर आओ। सर, वो मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी एरिया से आते हैं, आपको पता है ना मेरा अपार्टमेंट कितनी दूर है, और सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर शिफ्ट होना बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। तो अब ये सब मुझे क्यों बता रही हो? वो सर, आपका पेंट हाउस खाली पड़ा है ना, आई मीन उस टेरेस पर जो ओपन एरिया है, अगर वो मिल जाता तो। देखो बेटा, मैंने टॉयलेट का बोर्ड भी नहीं लगाया, तुम्हें किसने बताया मुझे नहीं पता। वो पेंट हाउस खाली नहीं है, अगर हो तो भी मेरा किसी को देने का इरादा नहीं है। लेकिन सर, मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं। हमें देरी हो रही है, ड्राइवर आ गया। जी सर। हाय, एक कप कॉफी। देखो, तुम चाहे भीख मांग लो या धमका लो, तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पियूंगी, नहीं पियूंगी। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? ओह, कॉफी नहीं पीनी है तो गन्ने का जूस। अगर फिर से मेरे पीछे आए ना तो पुलिस में कंप्लेन करके अंदर करवा दूंगी। अब हमारे बीच पुलिस को क्यों बुला रही हो? प्लीज मुझे परेशान मत करो, कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत आओ। प्लीज मेरी बात मान लो। गाड़ी रोकना। नितिन बेटा। हाँ? बेटा नितिन। अरे यार, इस आदमी को टाइमिंग के लिए अवार्ड दे दो। बेटी, जरा उस लड़के को। वो तुम्हें ही बुला रहे हैं। हाँ सुना मैंने, ध्यान मत दो, छोड़ दो। बेचारे कितने प्यार से बुला रहे हैं, चले जाओ ना। पर तुम जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, अब तुम जाओ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बस बहुत हो गया, इस बुड्ढे को फिनिशिंग टच देना ही पड़ेगा। आ जाओ, आ जाओ। आ रहा हूँ, चिपको कहीं का। आओ बेटा आओ, देखो कौन आया। ग्रीन स्टार। अरे महाप्रभु जी, आपके इतने प्यार से मैं मर जाऊंगा, बस कीजिए। बेटा बहुत हो गया आपके और मेरे बीच। क्या हुआ बेटा? आप मुझे अच्छा लड़का समझते हैं? टेररिस्ट बन जाऊंगा, तारीफें सुन के मर रहा हूँ मैं। चलता हूँ। ड्राइवर भैया, गाड़ी निकालिए। चलिए चलिए सर, आइए, आप आइए ना। चलो भैया निकलो। बाय 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 बाय। सर, आप कितनी बेइज्जती किसी ने नहीं की, इस लड़के की घटिया बातें सुनना जरूरी है क्या? तुम उन्हें जानते हो क्या? वो मूर्ति जी हैं, मुझे हीरो समझते हैं वो। उन्हें तुम पसंद हो क्या? पसंद हूँ, जैसे मैं तुम्हारा जबरा फैन हूँ ना, वो मेरे जबरा एसी हैं। प्यार का ओवरलोड हो गया था, कट कर दिया। लिसन, अगर तुम उनके साथ अच्छे से बात करोगे तो। हाँ, तो क्या? अब मैं तुम्हारे साथ रोज कॉफी पीऊंगी। ओ अच्छा, मेरे साथ रोज कॉफी? फी 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 रोज। हाँ, कॉफी पीऊंगी रोज रोज। हे भगवान, मैं सोचता रहा तू कहाँ है, पर तू यही है मेरे साथ। थैंक यू भगवान। सॉरी सॉरी सॉरी, टेररिस्ट बन जाऊंगा। ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी क्या? क्यों? मुझे नहीं पता था तुम्हारा लिंक है, इसलिए मैंने अपने सारे लिंक तोड़ दिए हैं। That's your problem. अगर तुम मेरे साथ रोज कॉफी पीना चाहते हो तो मेरा एक और काम करना होगा। बस बोलो, क्या काम करना है बताओ। उनके पेंट हाउस को मुझे रेंट पर दिलवाना होगा। डील, बाय। उस बूढ़े को फिर से मेरी जिंदगी में घुसा दिया। Thank you.
अकेला है, मनाकर पेंट हाउस ले लूंगा। वहीं रुक जाओ। किस मुंह से फिर मेरे घर आए हो? मुझे ठुकरा कर जाने के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। बाप रे, बुड्ढा कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गया है। सॉरी सर, गलती से मैंने वो गलती थी वो गुरूर घमंड था वो। तुम्हारे जैसे को तो हंटर से मार कर लाल कर देना चाहिए, इतना लाल कि बंदर भी कंफ्यूज हो जाए। मैंने सोचा नहीं था कि आप इतने हर्ट हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मनमानी करोगे और फिर मुझे सॉरी बोल दोगे तो चल जाएगा? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? मेरी बात का कोई मान नहीं है? अरे मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ सर। इज्जत? इज्जत करते तो सबके सामने मुझे इतनी बातें नहीं सुनाते, मेरी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करते। वो तो बस मैंने ऐसे ही कर दिया है। शादी आपके मर्जी के खिलाफ? मैंने की, लेकिन कब? यस, मेरे खिलाफ जाकर शादी कर ली। अपने ही खून से धोखा खाकर इंसानों पर से मेरा भरोसा उठ गया है। ओहो, तो बुड्ढे को चढ़ गई है लगता है मेरी परवरिश में। मूर्ति जी, मूर्ति जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं नितिन हूँ। मैं नितिन हूँ सर। बेटा तुम, बेटा I'm sorry। कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है अगर मेरा एक पोता होता तो इस तरह सुपर कैरेक्टर का होता, इसलिए जब भी तुम्हें देखता हूँ इस तरह एक्साइट हो जाता हूँ। मैं आपका पोता ही हूँ, ऐसा समझ लीजिए ना सर, आपको अच्छा लगेगा। नहीं 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 बेटा, मुझे रिश्ते बंधन कुछ नहीं चाहिए। For the past 25 years, I've been all alone, solo। जब अपना खून धोखा देता है तो बहुत दर्द होता है। Bloody blood। आपको इतना गुस्सा किस बात का है? आपकी फैमिली से दूर रहे 25 साल हो गए, अब तो आपका गुस्सा कम हो गया होगा, तो सारा झगड़ा भूल जाइए, अब उन्हें माफ कर दीजिए। नहीं। हाँ सर, ब्लड। कहा है ब्लड? नो ब्लड। ब्लड नहीं है, ऐसे कैसे? सर मेरा ब्लड है सर। ये लो। अरे बेटा और है ना, मैं भरता हूँ ना। आपके सेंटीमेंट के चक्कर में मुझे हाथों पर ऑइंटमेंट लगाना पड़ रहा है सर। सॉरी बेटा। आपका सॉरी किसे चाहिए? आपने मेरे हाथों की ये जो हालत की है उसके बदले अपना पेंट हाउस मुझे रेंट पर दीजिए। पेंट हाउस? हाँ। उसका और इसका लिंक क्या है? वो मेरा अपना एक अलग सा लिंक है, उस लिंक का नाम है नंदिनी। नंदिनी वो डांस टीचर? यस, उस टीचर को अगर इम्प्रेस नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस टीचर को इतना इम्प्रेस क्यों कर? अरे कितने सवाल करेंगे, रेंट पर देंगे? अब तुम कह रहे हो तो डन 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 डन। सॉरी बेटा। नमस्ते सर। She is my friend। अच्छा अच्छा, देखो बेटा, इस दुनिया में नितिन से ज्यादा करीबी और कोई नहीं है मेरा। छोटा है फिर भी मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत क्यों करते हैं ये भी बताइए ना, नंदिनी को पता होना चाहिए। क्या बताऊँ? अरे वही जो मेरे नजर आने पर आप कहते हैं ना वो बात। कौन सी बात? अरे मूर्ति जी, मेरा डायलॉग, मेरी एक्शन। अरे अब उन बकवास बातों का क्या मतलब? बकवास बातें? विंटर में एसी चलाते हैं, समर में हीटर, जरूरत है तब नहीं बताएंगे? देखो बेटा, आज से वो पेंट हाउस तुम्हारा है, अब वहाँ जाकर मजे से रहो। अरे सुनो, इसे चाबियां दे दो। हाँ देता हूँ सर। अब तो खुश ना बेटा। I'm so happy. Thank you so much. हेलो, वेयर आर यू? सपनों में खो गया था। ये लो 100 रुपए। ये क्या है? तुम्हें पेंट हाउस मिल गया तो मंदिर में जाकर इसकी दक्षिणा दे दूं? नहीं नहीं, एक्चुअली जब से तुम मिले हो तब से कॉफी कॉफी किए जा रहे हो, पर मुझे कॉफी से एलर्जी है, इसीलिए खुद ही जाकर कॉफी पी लो। बिल तो मुझे ही देना था ना, इसलिए 100 रुपए दे रही हो? या जरा पकड़ना इसे।
मंदिर में दे तो प्रसाद होता है, बाहर भीख कहते हैं। बुरा मान गए क्या? चुप करो, मैं अकेले कॉफी शॉप जाके कॉफी पीऊंगा। मेरे माँ के हाथ की कॉफी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मेरा बेटा चाहे तो शाम तक उस लड़की को चुटकी बजाते घर ले आएगा। चैलेंज, चैलेंज। तुम वैसे भी कॉफी नहीं पीती ना, एक बार मेरे घर चलोगी? हेलो, ये एक्सटेंशंस नहीं चाहिए। कॉफी पीना है तो पियो वरना जाओ। ये घर आओ, पब चलो। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम जो दिखते हो ना वैसे नहीं हो। एक बार मेरे घर चलो, प्लीज 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 प्लीज, एक बार, बस एक बार, वंस इन योर लाइफ प्लीज। देखो, चाहो तो तुम चांद को देखते हुए खाना खा सकते हो, लेकिन खाने को देखते हुए चांद को नहीं खा सकते। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी भाव खा रही है। मल्टी टैलेंटेड है तो अकड़ रही है, इसकी अकड़ को कम करना ही होगा। ये सब कुछ है, सारी कलाएं। आज से आप लोग मुझ में संपूर्ण कलाकार देखेंगे। माते, जितना संभव हो सके नीचे झुकूंगा, आशीर्वाद देना। ओके, शायद फ्रीज हो गई। ओके, सुनिए जी, क्या हुआ है इसे? इसे कुछ नहीं हुआ, पर इसे देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा है। पहले मुझे आशीर्वाद दो। हेलो, क्या है? मुंह से बोलना, क्या बात है? यार, फ्लूट और वीणा पर तो ऑलमोस्ट ग्रिप आ गया है, बस कराटे में थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। गाइडेंस चाहिए कराटे में? वो किस लिए? लड़की को इम्प्रेस करना है। वन मिनट, कल एकादशी है, अच्छा दिन है, कल आके कराटे सीखूंगा, आज आके एप्लीकेशन भरूंगा। ओके, बाय। इसकी सटक गई है। गुड मॉर्निंग। जैसे हम लोग दोनों करेंगे वैसे ही कॉपी पेस्ट करो। बंटाई, अंदर आ। ओके ओके गाइस, टाइम प्लीज। क्या रे, जैकी चैन बनना है क्या? सुन, वो लड़की कौन सी? ओ, वो लड़की अपनी नई स्टूडेंट है और मेरी फेवरेट भी। नई स्टूडेंट? तेरे को उससे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तू जा। ओके, भगवान, ये लड़की तो धमाल निकली, अभी वहां खाया भी नहीं कि यहां हजम कर लिया। चलो शुरू करें। आप कहां से आ रहे हैं? आप कहां से? ए, तुम यहां क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें सितार नहीं आता, वहाँ सीखने जाती हो, मैंने देखा है। तुम इन्हें यहाँ सिखाती हो, खुद को कुछ नहीं आता। डांस, जूडो, हिंदी, मैंने सब देखा है। झूठी, तुमने मेरा दिल तोड़ा। चलो मेरा दिल भूल जाओ, तुमने सरस्वती माँ तक को नहीं छोड़ा।
गई काम से। या मैं इन सबको बता दूं? तो तुम यहाँ आओ और मुझे अपना गुरु मानो। चलो। नहीं 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 नहीं। कल आपके घर कितने बजे आना होगा? आठ। एक ही दिन आना है ना? टू डेज। ओके, अब तंग मत करना। हाँ ओके ओके। अच्छा बेटा। आंटी आंटी, कोई आया है। किससे मिलना है? नितिन है क्या? मेरा बेटा है। उसने मुझे बुलाया था। मंदिर वाली लड़की है। जाकर भैया को बुला। जाओ, आओ बेटी, आओ बैठो। मम्मी ये मंदिर वाली लड़की है। या या या। भैया भैया उठो, भैया जल्दी उठो। क्या है? एक सरप्राइज है, जल्दी चलो। आखिर चैलेंज जीत ही गया ना, लड़की घर आ ही गई। आखिर लेके क्यों नहीं आता? बेटा किसका है? सब लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं? कौन है यार? ओ तुम हो। क्या है, सुबह सुबह क्यों आई हो? ये क्या, इसे तूने नहीं बुलाया? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? क्या है हा? बेटा एक्टिंग ज्यादा हो रही है। ओ या 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 या, याद आया, मैंने कल या परसों ही इससे कहा था, मेरे माँ के हाथ की कॉफी जबरदस्त है, शायद वही पीने आई होगी सुबह सुबह, है ना? अरे मैं तो तुम्हें कॉफी पूछना ही भूल गई, दो मिनट में लेकर आई। आंटी मुझे कॉफी से ना एलर्जी है। बस करो, माँ को परेशान नहीं करना चाहती इसलिए कह रही हो ना, कुछ नहीं होगा, पी लो। नो। अरे माँ ये तो ऐसे ही नाना करती रहेगी, आप कॉफी लेकर आइए ना। ओके पीपल, मुझे जाकर सोना है, सो जैसे ही कॉफी आए पी के निकलो, एंड आज पूरा दिन मुझे फोन मत करना प्लीज। वो क्या है ना, बाबू थोड़ा बिजी है। ओह सॉरी सॉरी, थोड़ा नहीं बहुत बिजी है। बाय। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? बेटा वो लड़की पहली बार हमारे घर आई है और तू ऐसे बिहेव कर रहा है। ओह मिस्टर डैडी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, ऐसे छोटे छोटे टॉर्चर सहेगी तभी तो इस घर की बहू बनेगी। ओके सो लेट्स सी। ये लो बेटा। क्यों बेटा, मेरी कॉफी इतनी पसंद आई, एक और कप लेकर आओ। हंस मत, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये तो गया। क्या हुआ? कल भी तुम्हें सेम टाइम पर आना है, याद है ना? मैं नहीं आने वाली। ओए, दो दिन कहा था, इफ यू आर नॉट रेडी मैं मूर्ति जी के पास जाऊंगा। आ जाऊंगी। गुड गर्ल, बाय। आती हूँ बेटा, आती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। घर वाला घर में है? ये क्या कहानी में ट्विस्ट? हाय। शायद मेरी कॉफी बहुत पसंद आ गई इसलिए सुबह सुबह आ गई। रुको बेटा, मैं कॉफी लेकर आई। नहीं नहीं सॉरी आंटी, कॉफी तो क्या, आज तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, व्रत है ना। अरे काव्या, नितिन को जगाना जरा। नहीं नहीं रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। रियली? नितिन बेटा कुछ तो गड़बड़ है। मंदिर से आ रही हो क्या बेटा? हाँ आंटी। मंदिर जाने के लिए जब नितिन को धोती पहनाई तो कितना हंगामा कर रहा था। क्या हुआ? वापस आ गई? अरे तू क्यों आ गया, जा जाकर सो जा। सो जा? हाँ सो जा, तुझसे मिलने नहीं आई हूँ। तुमने मुझसे तू तड़ाक किया? हाँ सुनाई नहीं देता क्या? मैं सोने को ही कह रही हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। वैसे अंकल आप ऐसे आलसी इंसान को कैसे झेलते हैं? आलसी इंसान? अरे वाह, पापा भी भैया को ऐसे ही डांटते हैं। डांटने से कुछ नहीं होगा अंकल, इसकी ऐसी पिटाई करो कि लाइन पर आ जाए तभी सुधरेगा ये। बहुत देखे हैं ऐसे। यार ये फालतू की बातें छोड़िए। हाँ वाह क्या खुशबू आ रही है, पुलाव बनाया है ना? मेरी बीवी पुलाव बहुत अच्छा बनाती है। हर चीज अच्छी बनाती है। रियली?
लव पुलाव। मैं अभी लेकर आती हूँ बेटा। थैंक्स आंटी। तुम्हारा व्रत नहीं है? तो उसमें क्या हुआ? बॉक्स में डालकर दे दूंगी, शाम को व्रत तोड़कर खा लेना। एक मिनट। हेलो, क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? कल तुमने भी मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं किया? वैसे भी हमारी डील तुम्हारे घर तक आने की थी, उसके बाद चाहे मैं कैसे भी बिहेव करूं, मेरी मर्जी। जाकर मूर्ति जी को बता दूंगा। बस ये काम कर दो, मेरा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। पेंट हाउस की वजह से ही मैं तुम्हें झेल रही हूँ, समझे? अगर उस पेंट हाउस और मूर्ति जी को मुझसे दूर किया ना, तो हमेशा के लिए तुमसे गुड बाय। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलती हूँ आंटी। पुलाव खाना मत भूलना। जी अंकल। आज परमानेंटली उससे पीछा छूट गया। नमस्ते अंकल। क्या बेटा, डांस कर रही हो और साथ में? मसूर पुलाव, खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। ये तुमने बनाया? हाँ, लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं। बेटा पुलाव मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतना स्वादिष्ट बना कभी नहीं खाया। बेटा तुमने तो मेरी माँ की याद दिला दी। तुम रोज रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे ये पुलाव बनाकर खिलाओगे ना? तुमने खाया कि नहीं? ठीक है। मैं बेटा कल मुझे ऐसा का ऐसा पुलाव चाहिए, सेम टेस्ट। क्या फिर से उसके घर जाना होगा? आज ये बिना बुलाई आ गई? प्यार व्यार हो गया क्या? क्या हुआ, दोबारा चली आई? क्यों नहीं आ सकती? मैंने तुम्हें आने से कब मना किया? हाय आंटी। ओ बेटा, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है। ए, कहाँ है तू? नितिन? क्या है ये? हट, बदमाश, मजाक करता है। भी पागल, चल जा। बहुत टेस्टी है। थैंक यू आंटी। ओके। अरे नितिन, आ हमारे साथ ताश खेल। अरे नहीं पापा, जुआरी कहीं के। ओके। अरे ये नहीं माँ, ये चलो। अब देखो, हरा दिया ना मुझे। फिर धनिया। आंटी बस एक मिनट। हाँ हेलो। आंटी मैं कल आती हूँ। ओके बाय बाय। दरवाजा खोलो। थैंक्स। हाय आंटी, ये लो कॉफी, पी लो। नितिन के ऊपर फेंक देती हूँ।
शादी होगी। तो क्या खरीदने वाले हो बेटा तुम? है क्या हुआ? वो देखो लकी ड्रॉ है। पेन प्लीज। अब क्या बताऊं? उसकी क्या फिक्र है? हे भगवान, मैं ही जीत जाऊं, लकी ड्रॉ में मेरा ही नाम आए। गुड लक। इसका छोंक लगाने के बाद नेक्स्ट। आंटी वन मिनट। Love you, boss. Excellent. What a great artist. Artist कुछ नहीं, इनको बस यही आता है क्योंकि ये इनके फेवरेट हैं और इनकी जान है। ऐसा है तो इतनी perfectly कैसे बना लिया? अगर मन में बहुत प्यार हो तो ऐसा ही बनता है। हाँ। Excuse me. Yes. Sir. कंपनी की तरफ से यूरोप ट्रिप के लिए जो ड्रॉ निकाला था उसमें आपका भी नंबर आया है। अरे, we are flying to Europe. Hey, ये क्या है? कूपन में तो तीनों का नाम लिखा था, हम दोनों का तो है लेकिन नितिन का कहाँ है? सॉरी मैडम, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया। अगले चार दिनों में नितिन जी की टिकट भी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों किया? अगर एक साथ देते तो साथ ही जाते ना। सॉरी सर। कोई बात नहीं अंकल, नितिन के साथ मजाक करते हैं, उसे बिना बताए हम दोनों चलते हैं। तीन दिनों तक उसे कुछ नहीं बताएंगे, उसके बाद उसकी भी टिकट आ जाएगी, वो भी आ जाएगा। नितिन को रुलाने में तुम्हें बहुत मजा आता ना। ये तो धनिया की कार है ना, दुपट्टा बाहर है, मतलब नंदिनी भी कार में ही होगी। फॉलो करता हूँ, उसे मिलके सरप्राइज दूंगा। नंदिनी, सॉरी। ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके। ए, वो लड़की कौन है? आप कौन है सर? ए, तुझे क्या करना है? नंदिनी का है? वो कौन है सर? ये धनिया की कार है। ये तो होटल ट्रैवल की कार है सर। होटल ट्रैवल की कार है? जी हाँ सर, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आज सुबह ही उन्होंने यहाँ से कार रेंट पे ली थी। रेंट पर? यस सर, सेल्फ ड्राइविंग के लिए हम रेंट पर देते हैं और सिक्योरिटी के लिए उनका पासपोर्ट रखा है। पासपोर्ट? मिस नंदिनी, मिस धनिया दोनों वन मंथ से हमारे ही होटल में रह रही थी सर। नंदिनी जी कभी कभी यहाँ आती थी, बोथ आर यूरोपियन सिटीजन फ्रॉम बार्सिलोना। वो आज ही चेकआउट करके यूरोप चली गई हैं। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। आपने ही तो कोई लकी ड्रॉ निकाला था, आपके टिकट तीन दिन बाद आपको देने को कहा था, लेकिन अभी टिकट देकर मैं अपने गांव जा सकता हूँ, इसलिए ये तुमको दे रहा हूँ। ड्रॉ तो दो महीने बाद का था ना? मुझे नहीं मालूम, वो भी एयरपोर्ट गए हैं। एयरपोर्ट गए? सारे ताले अच्छी तरह लगा दिए ना? हाँ सर, ये दो महीने बाद की है। कूपन फिल करते वक्त आप वहीं तो थे। तो फिर ये टिकट? सर ये नकली टिकट्स हैं, हमने किसी को भी टिकट्स इशू नहीं किए हैं। सॉरी नितिन, नंदिनी और मूर्ति जी दोनों ने बोर्ड कर दिया, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर है। सी यू। बेटा,
अरे आ रहा हूं। हाथ का खाना खाए बिना मैं कितनी पतली हो गई हूँ। चल अब ज्यादा मस्का मत मार। कब गई थी तू टूर? 10 दिन में शादी है और इतने आराम से आ रही है। आप भी ना मॉम। ठीक है, लेकिन पहले अभी चैतन्य और उसके पेरेंट्स से बात कर ले। होने वाले पति सास ससुर के साथ थोड़ा टच में रहना चाहिए। ओके मम्मी। छोटू छोटू रुक। हे भैया भैया मुझे क्या मिला? रुक अभी बताती हूँ। भैया आप ही छोटू को देखा क्या? ये देखकर गया। पता है भैया छोटू इतना बदमाश हो गया है, सामान इधर उधर लेके भाग रहा है। ये कितना एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव क्यों? पेनी तो है। नहीं भैया ये कोई ऑर्डिनरी पेन नहीं है, इसमें पेन ड्राइव इनबिल्ट है। इससे जो भी लिखा जाए वो सब इसमें सेव हो जाता है। ठीक है आप इसे नंदिनी को दे दीजिएगा। ये लीजिए। आज नाना जी से मंदिर में पहली बार बात हुई पर मेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ। वो डांट कर चले गए। डांटने से भी मैं खुश हूँ, कम से कम उन्होंने मुझसे बात तो की। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं नाना जी के करीब कैसे जाऊँ। मम्मा पता है मैं आपके लिए इंडिया से क्या लेकर आई? देखोगी तो खुश हो जाओगी। टन टनन। ये मूर्ति तो हमारे गाँव में बनाते हैं, तुम्हें कैसे मिली? अब एक शॉप से खरीदी। कैसी है मॉम? इसे देखकर मेरे पापा की याद आ गई। छी छी, तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्मा रही है? शहर पढ़ने के लिए भेजा था, किसी अहरे गहरे से शादी करने के लिए नहीं। मैंने शादी नहीं की पापा, प्यार भी नहीं किया। अरुण ने यही कहा कि वो मुझे पसंद करता है और इज्जत से आपसे बात करने के लिए हमारे घर आया है। मैं इन्हें कब का जुबान दे चुका हूँ, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। इन लोगों को मैं समझा दूंगी पापा। क्या समझा दोगी? बचपन से इसके साथ तेरी शादी तय है ना? परिवार में ही शादी करना सही नहीं है पापा, होने वाले बच्चों को खतरा हो सकता है ऐसा साइंस कहता है। ओहो हो, कहीं सुना है ऐसा? परिवार में शादी सही नहीं है? हमारे माँ बाप एक परिवार के नहीं थे? तुम्हारे माँ बाप भी एक परिवार के नहीं थे? और तो और इसे पैदा करने वाले हम दोनों भी एक परिवार के हैं। पापा माँ को लिवर प्रॉब्लम है और मुझे भी अस्थमा है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और भी खतरनाक हो सकता है। बाहर निकल जा। पापा दफा हो जा यहाँ से, जा ना। पापा पापा मैं तेरा पापा नहीं हूँ, निकल जा, चुप कर। अपनी बीमारी बताकर हम सबको शर्मिंदा करना चाहती हो ना तुम? ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम भी ये जान लो कि तुम हम सब के लिए मर चुकी हो। चली जा, चली जा, चली जा, चली जा। माँ के मरने के बाद और तुम्हारे पैदा होने के बाद से मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। दुखी मत होइए माँ, मैं तू नाना जी को लेकर आई हूँ, जल्दी आपसे मिला दूंगी। कैसा लगा? अच्छा है माँ। तुम्हारे पापा का सरप्राइज गिफ्ट है ये। कांग्रेट्स माँ। और हाँ ये मेरे लिए नहीं है, होने वाली बहू के लिए है, मतलब तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए है। नंदिनी के आने से ना सिर्फ तुम में बल्कि हमारे इस घर में भी नई खुशियां आई हैं। वो लड़की हमें और हमारे घर को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लेगी। उस लड़की को देखते ही मैं समझ गई थी तुम्हें कितना चाहती है वो, हम सबकी कितनी इज्जत करती है। एक ब्लू लेबल विस्की। वाओ मूर्ति अंकल को मतलब नाना जी को हमने बहुत अच्छे से हैंडल विद केयर किया है। 15 दिनों में मेरी शादी है, उस दिन डायरेक्ट मंडप में ले जाकर माँ और नाना जी दोनों को आमने सामने खड़ा कर दूंगी। सब ठीक हो जाएगा। सुपर प्लान है, लेकिन उस बोटी कबाब की हड्डी को तूने बहुत अच्छा मैनेज किया। बापरे वो और उसकी फैमिली तो एकदम अजीब है यार, ऐसे इमोशनल फूल्स मैंने देखे ही नहीं। उनका प्यार, उनके ओवर अफेक्शन, मेरी तो जान ही निकलने लगती है यार। अचानक मेरे लापता होने पर सब लोग वहां पर कितने तड़प रहे होंगे। क्या हुआ तुझे? ऐसा लगा कोई है। मैं कुछ भी सोचती हूँ, भला वो चिंपैंजी यहाँ कैसे आएगा?
नाना जी कहाँ हैं? कहाँ चले गए? ए, वहाँ देख, नाना जी, चल ना, प्लीज। मूर्ति जी वेलकम बेटा बाय लागू अरे नाना जी कहाँ है क्या हो जाए आज वो नहीं बचेगा आज तो मैं उसकी पुलिस कंप्लेन करके रहूंगी अगर आज उसकी हड्डी पसली एक ना करवाई ना तो मेरा नाम वेलकम गर्ल्स वेलकम ये यहाँ क्या कर रहा है यहाँ क्या कर रहे हो तुम ऑब्वियसली तुम्हें यहीं आना था तो तुमसे पहले आकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था वेलकम सर एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दीस टू गर्ल्स एंड आई फाउंड देम फाइन थैंक यू कुछ नहीं मैंने कहा हम टूरिस्ट हैं गुम हो गए थे अब वापस मिल गए हैं आओ बैठ कर बात करते हैं मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ मूर्ति अंकल कहाँ है तुम्हारे नाना जी है ना किडनैप कर रखा है उन्हें कहाँ पर अगर बता दिया तो किडनैपिंग कैसे होगी फाइन मैं अभी पुलिस को बताती हूँ हाँ बता दो तुम्हारे नाना खुद कहेंगे किडनैप नहीं हुआ मैं खुद खुशी खुशी नितिन के साथ गया हूँ ऊपर से ये भी लीक हो जाएगा कि तुम उनकी नाती हो पुलिस स्टेशन में बैठकर जिस तरह से किडनैप की बात कर रहे हो ना तुम उसी से लग रहा है कि कितनी शार्प प्लानिंग कर रखी है जब चोट पहुंचाने के लिए तुमने इतनी प्लानिंग की थी तो बदला लेने के लिए मुझे कितनी प्लानिंग करनी चाहिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की है मैं बस अपनी माँ और नाना को एक करना चाहती हूँ ये बात थी तो मुझे पहले ही बता देती अगर तुम्हें बता देती तो क्या तुम हमारी मदद करते पता नहीं लेकिन तुम्हारे पीछे तो नहीं आता मेरा वक्त और मेरा प्यार इस तरह वेस्ट नहीं करता मेरे माँ बाप का भी भरोसा जीत कर उन्हें बेवकूफ बनाया आई एम सॉरी क्या कहा सॉरी अगर जाने से पहले मिलकर कहती तो मान भी लेता पर अब तुम्हारे सॉरी की वैल्यू वैसे सॉरी होता क्या है हा? बस बोल देते हैं हमें नजर क्यों नहीं आता ये एक फीलिंग है अच्छा फीलिंग है तो तुम्हें फील होना चाहिए या मुझे फील होना चाहिए मैं फील कर रही हूँ तुम्हें भी करना चाहिए फील करने के लिए महसूस तो होना चाहिए ओ, मतलब अभी मुझे तुमसे प्यार करना होगा प्यार नहीं 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 टूटा दिल जुड़ना और मंडे के बाद संडे आना कभी नहीं हो सकता तुम सिर्फ प्यार लिखना जानती हो उसे समझती नहीं हो और ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे लिए मेरे अंदर गुस्सा यहाँ तक भरा है पर क्या करूं दिल शांत नहीं होता तो दिमाग कैसे शांत होगा तो अब तुम चाहते क्या हो मैं ये चाहता हूँ कि जितना दर्द मुझे हुआ उतना तुम भी फील करो उस दर्द को महसूस करो मुझे महसूस कराओ कि तुम सच में सॉरी फील कर रही हो वरना मैं तुम्हारे नाना जी को यहाँ से लेकर अरे वो कैसे होगा इंसिडेंट्स में जैसे तुम्हारे सॉरी में 5 लेटर्स हैं 5 इंसिडेंट्स में मुझे सॉरी फील करवाओ अगर मुझे पहले इंसिडेंट में ही तुम्हारा सॉरी फील हो गया तो तुम्हारे नाना को तुम्हारे हवाले करके मैं चला जाऊंगा ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपने नाना जी को भूल जाओ इतने टाइम में तो मैं ही नाना जी को ढूंढ लूं ओके आई एम रेडी वेरी गुड लेट्स बिगिन सॉरी का फर्स्ट अल्फाबेट एस है एस से मेरे लिए तुम क्या कर सकती हो सेवा 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 हाँ सेवा नाना जी मिल जाए फिर तुम्हें बताऊंगी सेवा बोलकर मुझे चर्च क्यों ले आए कुछ समझ में नहीं आ रहा ये चर्च चैरिटी के जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद करता है इन्हें डोनेशन देने की सोच रहा था लेकिन तुम्हारे जरिए फॉलो मी ए उसके लिए मैं क्या करूं मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा और तुम्हें वो बेचनी पड़ेंगी मुझसे नहीं होगा ऐसे कैसे नहीं होगा तुम्हारा टैलेंट मैंने इंडिया में देख लिया है तुम तो किसी पेंगुइन को भी बर्फ बेचकर आ जाओ चलो चलो काम पे लगो क्या तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है
वो जरूरी है क्या? तो क्या बनाओगे? पूछ के रही हो पगली, मास्टरपीस रेडी है। हाँ? ये क्या है? समझ नहीं आया, इसमें कोई मतलब है क्या? हुर्रे, यस, मुझे भी मॉडर्न आर्ट बनाना आ गया। व्हाट? जो समझ ना आए वो मॉडर्न आर्ट होता है। इसे बेचकर मुझे इम्प्रेस करो और नाना जी को लेकर जाओ। बेवकूफ कहीं का, कौन खरीदेगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो, यू वांट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग? नो नो, ओके सर, यू वांट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग? No, you disturbed my sleep. Get lost from here. I don't want your stupid painting. थोड़ी देर और रुकती तो जान ले लेता। बकवास पेंटिंग। हुर्रे! I made it. बेच दी। मुझे 100 यूरोस मिले हैं। इसे डोनेट कर दे। क्या मेरी सेवा तुम्हें पसंद आई? वो पेंटिंग 10 रुपए की भी नहीं थी। तुम्हें 100 यूरोस मिल गए? Yes. मेरे आर्ट का इतना रेट है? Yes. मतलब अगर मैं 20 पेंटिंग्स बनाऊं? 20 पेंटिंग्स? अब देखो, दोनों हाथों से बना रहा हूं, 200 में बेच देना। See that? Oh my God, his painting is better than my painting. ए, ये तो क्या बोल रही है? उसकी सारी पेंटिंग्स तू खरीदेगी? तो क्या करूं? टॉर्चर कर रहा है। एक काम कर, अपने लोगों को पैसे देकर यहाँ पर भेज दे और कह दे कि सब खरीद ले। पर वो सब मेरे दोस्त हैं, ऐसा उसे शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेलकम वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। व्हाट इज दिस पेंटिंग? This is India's most beautiful monument. This is Taj Mahal. Taj Mahal? Where is it? Before construction. Banne se pehle. Wow. Now look at this. This is Twin Towers of New York City, the World Trade Center. Where is the building? Building kahan hai? After the flight crash. What's the price of all paintings? Very expensive. 500 euros. हाँ, that's nothing. क्या कहा? 500 euros is nothing? यही मौका है। Hello, hello, hello. 500 euros not for all paintings. 500 euros for one painting. ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? Hello, charity के लिए है ना? बेचो। ये कौन है? और ये painting लेकर यहाँ क्यों आ रहा है? Oh, मेरी first painting खरीदने वाला। Thanks for buying my painting, sir. I didn't buy it. I found there. हाँ? कहाँ मिली इसे? In the trash box. Dustbin mein phenk di. As a painter, I can tell you that you have a very, very unique style. Kya? Isme unique kya hai? But my child, why did you throw it there? Huh? Kya keh raha hai ye? Tumne meri kala ko phenk diya? Aisa kyun kiya? Matlab 100 euros dikhakar mujhe bewakoof banaya tumne. Waise ye log sach mein painting kharidne aaye hain ya? Are you her friends? No. Do you know her? No. Is her name Nandini? No. How do you know that? रुको रुको, वो सब मेरे दोस्त नहीं थे। जब तुम्हारे दोस्त नहीं है तो कैसे पता चला कि तुम्हारा नाम नंदिनी है? मेरे साथ ड्रामा करती हो? चल, अपने नाना जी को भूल जाओ, मैं उन्हें अपने साथ इंडिया लेकर जा रहा हूँ। प्लीज सॉरी नितिन। चुप रहो, एक बार और सॉरी बोला ना। वन चांस प्लीज, वन चांस। नितिन सॉरी, मैं एस में फेल हो गई ना, तो ओ ट्राई करती हूँ। ओहो, अब आइडिया भी तुम ही दोगी? एस में फेल हो गई तो ओ, ओ में फेल हो गई तो RRY ना? हाँ, श्योर श्योर श्योर। चीटिंग करने की वजह से तुम्हें पेनल्टी, RRY कैंसिल। तुम्हारे पास सिर्फ ओ बचा है, ओ फॉर आउटिंग। आउटिंग? हाँ, और वो भी 3 दिनों के लिए। अब समझ में आ? रेप मॉर्निंग। ए, क्या बोल रही है? हाँ, वो आउटिंग मतलब कहाँ लेकर जाएगा, क्या करेगा? तू डरा मत, एक तो वैसे ही उसने सबको देख लिया है, किसी को नहीं ले जा सकती। हाँ, सिवाय एक के। हाँ? ऐसे टेंशन के वक्त ही राहुल को बुलाना चाहिए। उससे क्या होगा, उसने बोला है अकेले आने के लिए। नो प्रॉब्लम, सब कुछ राहुल देख लेगा। I'm gonna go.
फोन उठाओ। सामने खड़े रहकर फोन क्यों कर रहे हो? डोंट अंडरएस्टिमेट द ब्रेन ऑफ अ गुज्जू भाई। ये राहुल जयपन करे छे प्लानिंग के साथ करता है। फोन काटे बिना लाइन में रहो, तुम्हारी सारी बातें मुझे सुनाई देंगी। वो फॉलो करे। सुपर्ब राहुल। पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। तुम कार निकालो, मैं बैग से फॉलो करूंगा। ओके। इतने पास से फॉलो मत करो, उसे शक हो जाएगा। तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो। तुम उसके बारे में नहीं जानते। वो भी मेरे बारे में तो थी जानते। Don't underestimate the power of a gujju bhai. राहुल, राहुल, वो सामने ही है, मैं स्पीकर ऑफ कर रही हूँ। ऑफ कर दो, तुम्हारी बातें बस मुझे सुनाई देनी चाहिए। ओके। पीछे वाली कार में कौन है? कौन सी कार? कौन है? कौन है? एक कार है, कोई बेवकूफ होगा। तुम क्यों घबरा रही हो, जैसे कि तुमने अरेंज किया है? घबराना क्या, इधर मेरी पैंट गीली हो गई। आज अपना दिमाग नहीं यूज कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, घर पे छोड़कर आई हूँ। मेरी परमिशन के बिना अगर जोक मारा ना, हंसूंगा नहीं, खा जाऊंगा। इसे कहते हैं जोक। चलो। पीछे वाली कार हमें फॉलो कर रही है क्या? नहीं तो पता नहीं। ओके। मैं इन्हें फॉलो क्यों कर रहा हूँ? आवाज सुनाई दे रही है ना, वो ओवरटेक करूँ। वाह, देखा गाड़ी वाला चला गया। डाउट क्लैरिफाई हुआ? क्लैरिफाई नहीं, ग्लोरीफाई हुआ। ओ मारा पापा, चार सड़के आ रही है। आप कहाँ जाना है? गुड गर्ल। बोल बोल। तुम्हारे बोलते ही मैं अपने कार का इंडिकेटर ऑन करूंगा। समझ नहीं पाएगा कि कौन किसे फॉलो कर रहा है, मेंटल हो जाएगा। राइट ले लो। ओके राइट। वेरी स्मार्ट। नहीं नहीं, लेफ्ट ले लो। लेफ्ट, व्हाटएवर यू से डार्लिंग। जहां मैं बोल रहा हूँ वहां टर्न कर रहा है। इसकी ओवर स्मार्टनेस की तो ऐसी की तैसी। फोन से सेटिंग करके रखी है तुमने। नंदिनी, ये रूट इतना एक्साइटिंग नहीं है, स्ट्रेट जाकर यू टर्न ले लो, जल्दी चलो। यू टर्न? तेरा मामा ड्राइव कर रहा है क्या, सब अचानक बोलता है। नंदिनी अब राइट ले लो। राइट 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 राइट। ए रुक जा, ये बार्सिलोना है, वडोदरा नहीं है। 2 किलोमीटर यू टर्न के लिए। क्या हुआ? मुझे पानी चाहिए। किसको किसकी सेवा करनी है? प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार। ठीक है। कहाँ हो तुम? तुम्हारी गाड़ी के ठीक पीछे। कहाँ पर? पीछे मुड़कर देखो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ गुज्जू भाई। आई एम कमिंग। वेट करो, उससे छुपकर मैं कार को बस के पीछे लेती हूँ। यहाँ क्यों आ गए? तो सो करो, वो बार बार रास्ता बदल देता है, सोचा तुम्हारे डिक्की में बैठूं। What? मतलब तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में बैठूंगा। डिक्की में बैठोगी तो सांस कहाँ से लोगे? Don't underestimate the power of a gujju bhai. अगर ये जैकेट निकाल कर डिक्की में अटका दिया तो उसे क्या पता चलेगा। डिक्की खोलो, चलो इस डिक्की में बैठूंगा और तुम्हारे नाना को ढूंढ निकालूंगा। ये लो। मे आई ड्राइव? ओके। अरे कपड़ा, अरे बापू, कपड़ा कहकर कहीं ये मेरा जैकेट तो नहीं खींच लेगा? जोर लगा के हईशा, जैकेट ना देना रे भैया, कर ले जैकेट मुट्ठी में, किंतु मेरे जैकेट के पीछे पड़ गया भैया। बापू शू करो वे, मम्मी मरी गयो। धीरे चलाना। उस गधेड़े को पता नहीं चला कि मैं डिक्की में हूँ। इस कार में बेकार हो जाऊंगा। इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो? अरे धीरे चलाओ। अरे
मेरे पंप में भूकंप आ गया रे। अरे क्यों मेरी जवानी को ब्रेक फेल करा रहा है? अरे मम्मी बचाओ, मरी गयो। रिवर वॉल से ज्यादा खतरनाक लग रहा है तो मुझे। आज मेरी जान गई, इतने पास कार के नहीं हिली, इतने मेरे हिल गए पापा। ये ऊपर वाले उठा ले रे, मुझे नहीं नितिन को उठा ले, बचा ले रे पापा। यहाँ के नेता भी सारे झूठ बोलते हैं, किसी से खराब रास्ते रे। क्या हुआ नंदिनी? ये कौन है? मेरे चाचा। चाचा है, मरवा दिया। पीकर हर कोई अजीब बिहेव करता है ना, मेरे चाचा जी पीकर डिक्की में सो जाते हैं। डिक्की में? चाचा डिक्की में सो गए। कार बाहर निकालने से पहले हर रोज चेक करती हूँ, आज मैं सो गया। और चाचा जी ए, क्या कह दिया चाचा? जब जमती नहीं है तो इतना पीते क्यों हो? डिक्की में सो गए। कॉल द कॉप। किससे? फोन और पर्स दोनों कार में पड़े हैं। अब क्या करें? हाथ से पर्स उठा कार वाले पर चले चले। क्या कह रहे हैं? वो भी यही पूछ रहे हैं। आए चल। हे कार। कीस। दिमाग नहीं चला सकते, भागते जा रहे हो? सुपर कार चुराई है ना? शैलू। आओ आओ आओ। व्हाट शैलू? तुमने चाबी तो डाली पर निकालना ही भूल गए। सॉरी शैलू, तुम्हें देखते ही मुझे बहुत कुछ होता है। नॉटी कीज, लेट्स गो फॉर फन। कार की चाबी कार के अंदर ही थी। आई सी। एक बार और दिमाग चलाया ना तो तुम्हें। ओके राहुल, मैं जाकर कीज लाता हूं। ए, ऐसा रिस्की काम सिर्फ मर्द करते हैं। तब तो मुझे अकेले ही जाना चाहिए। हे, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। मैं भी मैन हूँ, मैं भी आऊंगा। तू कॉमन मैन नहीं, सीलिंग फैन है। यहीं रुक, तो मैं रुको, मैं जाऊंगा। हे, रुको मैं। मिस्टर कॉमन मैन, यू आर द परफेक्ट मैन, गो। पहले तुमने कहा था ना, तो तुम जाओ। ठीक है, हम दोनों चलते हैं। चलो। मैं नहीं आऊंगा, नंदिनी को लेकर जाओ। आंखें फूट गई हैं क्या? वो देखो, लेडीज एंड जेंट्स नॉट अलाउड बोर्ड पर है। गे कपल एंट्री है, साथ जाना होगा, समझे? नंदिनी तुम यही वेट करो, हम आते हैं। चलो। स्टॉप। Can we go inside? No, this is strictly for gays. But we are gays. No, you're not. क्या किस्मत है, पहचान गई। चलो चलते। But you can go inside. Me? Yeah, I can make out your gay nachni. But he's not. Me gay nachmi? Yeah, go inside. Alone? Yeah, alone. I go alone. They will make me Sunny Leon. चुप करेगा। हर चीज का एक रेट होता है। अपने पास पैसा नहीं है ना? तेरी बॉडी पर तो है ना? क्या? Now can we go inside? Both of you go inside. Thank you. इतने में तो दो दो आ जाती। अगर मुझे ड्राइविंग करने दोगे तो ही ड्राइव पर चलेंगे। Sure, जानू। बहुत ही रोमांटिक हो। सच में? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कार स्टार्ट नहीं हो रही है, थोड़ा पुश कर दो ना। ओह श्योर, चलेगी। ओके चल, धक्का लगा दे। रेडी, पुश पुश। जोर से। उनसे नहीं हो रहा है, तुम भी थोड़ा हाथ लगाओ ना। ये मुझे नहीं, जाकर गाड़ी को हाथ लगाओ। ओके।
एक अधेड़ा मेरे को दे गाड़ी को चल। वेरी गुड, और जोर से। चीटर रुको जानू। चलो बैठो जल्दी। यस आप जो ओ, ये प्रेशर नहीं रोका जाता मुझसे। रुको 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 रुको। नंदिनी हाँ? मैं कल इंडिया वापस जा रहा हूं। मैंने तुम्हारा सॉरी फील किया है। पेंटिंग के इंसिडेंट के वक्त तो नहीं, पर आज सुबह से अब तक तुमने बहुत डिसेंटली बिहेव किया है। पता है आज मैंने तुम्हें आउटिंग पर क्यों बुलाया था? तुम्हारे नाना और तुम्हें मिलाने के लिए। क्या? तुम्हारे नाना यहीं पर हैं। यहाँ? वो देखो, उस रूम में है। जाओ। थैंक यू सो मच। मिल लो। मूर्ति अंकल। आ, तुम कहाँ चली आ रही हो? एक झूठ बोलकर एक पल के लिए रुलाने पर इतना दर्द हो रहा है। जब से मिली हो तब से आज तक धोखा ही दे रही हो, तो मुझ पर क्या गुजरी होगी? तुम्हारी तो यही सजा है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। नंदिनी तुम रॉक क्यों पी रही हो? He is torturing me. I will shoot him. और वापरे? Gun. I want a gun. Gun? मैं कहाँ से लाऊँ? और अगर ये bottle gun होती ना तो मैं उसे अभी shoot कर देती। Relax, relax. I want to kill him. ये bottle इसलिए बच गया। अगर सचमुच gun होती तो? लग रही है। कैटालोनिया होटल, गुड मॉर्निंग, मे आई हेल्प यू? हाय, कैन यू टेल मी इज देयर नितिन इन रूम नंबर 1002? वन सेकेंड, नो मैम, ही हैज गॉन आउट। दैट्स ओके, इज एनीवन एल्स स्टेइंग विद हिम? वन पर्सन, मिस्टर रघुवीरा मूर्ति इज स्टेइंग हियर। क्या नानाजी का एड्रेस मिल गया? यस, मैं अभी होटल ही जा रही हूँ। तुम बस एक काम करो, माँ और पापा को बालाजी मंदिर में लेकर आ जाओ, ठीक है?
नहीं तुम बताओ, सैंडी को भेज दो। ए, ये कैसा कंफ्यूजन है? तेरी शादी में मिलवाने का प्लान था ना? अगर इतने दिन रुके तो डिजास्टर हो जाएगा। उस रास्कल से पीछा छुड़ाना है तो आज के आज ही कुछ करना होगा। ओके बाय। टैक्सी। मूर्ति अंकल, गुड मॉर्निंग। मूर्ति अंकल। अरे नंदनी, कहाँ चली गई थी? आओ 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 आओ। यस। अंकल आप जल्दी से रेडी हो जाइए, एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? ये क्या हाल बना रखा है? नितिन कहाँ है? नितिन आ रहा है, पहले आप चलिए। कहाँ चलना है बताओ? आप बालाजी भगवान को बहुत मानते हैं ना? हाँ। तो यहाँ पर एक फैंटास्टिक मंदिर है, तो मैं आपको वहीं पर ले जा रही हूँ। वेरी गुड, लेकिन नितिन को आने दो। आ जाएगा अंकल। एक बार फोन लगा कर दो, मेरे फोन से नहीं लग रहा है। वैसे नितिन कहाँ है? नितिन नितिन नितिन, हमेशा उसके बारे में, आपको पता भी है वो कितना बुरा इंसान है। आपने उसे सर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए उसने मेरे साथ दोबारा टॉम एंड जेरी फाइट शुरू। उसमें प्रॉब्लम क्या है? मूर्ति अंकल, आप प्लीज पहले मंदिर चलिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? थैंक्स बेटा, बहुत ही अच्छा मंदिर लेकर आई हो, मन को शांति मिल गई। इसीलिए नाना जी, आप और माँ को मिलाने के लिए यही जगह चुनी है। नंदनी चलो चलो। मूर्ति अंकल रुक जाइए, क्या हुआ मूर्ति अंकल? जी जी, अगर मुझे पता होता कि जिस चेहरे को मैं कभी नहीं देखना चाहता वो इसी देश में रहती है तो मैं इस देश में भी कभी नहीं आता। ये तो बताइए हुआ क्या है? क्या हुआ है? 25 साल से मेरी बेटी मर गई है ये सोचकर जी रहा हूँ मैं, लेकिन अब वो फिर से मेरे सामने आ गई है। यहाँ मैं एक मिनट भी नहीं रुक सकता। तुम दर्शन करके आओ, मैं चलता हूँ। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। नंदिनी, तुम बिना बताए क्यों आ गई? मैंने तुम्हें फोन किया था पर लग नहीं रहा था। धन्या को फोन किया तो पता मिला तुम्हारा। अब पता है कितनी चिंता हो रही थी? बात क्या है? अब कल रात में जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें तुम बच गई। क्या हुआ? मतलब रात में जो हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है? I'll kill him. Relax. Relax. नहीं छोड़ूंगी. Stupid. What? Come on, baby. It's even me. I want to kill him. Hey, hey, hey. Come on. I want to kill him. Hey, baby. Just give me a kiss. Yeah. Just one kiss, baby. Come on, baby. Just one kiss. Hey, you want to fight with us? I'll kiss her right in front of you. What are you gonna do, huh? Oh, no! 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 You're angry because we were touching her. I'm gonna kill her. Let me see how you save her. Nitin, चलो हॉस्पिटल चलते। मैं ठीक हूँ। नंदिनी को लेकर जा। हाँ, भाई बात सामने। जाओ। Sorry नंदिनी, तुम्हें बचाने आया था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। जिसे प्रॉब्लम समझ रही थी, उस नितिन ने तुम्हारी इज्जत बचाई।
आज तक तुम्हें हर एक दिन और हर जगह सिर्फ तुम्हें धोखा ही देती आई हूं नितिन। शायद इसीलिए मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं अब समझ चुकी हूं कि मेरे नाना सिर्फ माँ को ही नहीं बल्कि मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं सॉरी फील कर रही हूं पर तुम ऐसा फील नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अभी सॉरी फील किया ही नहीं है। हमेशा से मैंने नाना जी को इम्प्रेस करना, उन्हें यहाँ लेकर आना, मेरी शादी के बहाने माँ और नाना जी को आपस में मिलवाना, बस मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती आई हूँ। माँ के बारे में सोचा, नाना जी के बारे में सोचा, पर तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं। सच कहूँ तो सब कुछ होने के बाद तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश करो। 7 दिनों में मेरी शादी है और तब तक तुम मेरे घर आ जाओगे तो देख पाओगे कि मैं कितना पछता रही हूँ। प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज। थैंक यू, बिल सेटल करके आती हूँ। ये कहाँ जा रही है? मॉम, नंदिनी अभी आकर गई है, कोई नया ड्रामा कर रही है। जब से मैं यहाँ आया हूँ उस दिन से सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह रोकूं। अब उसी ने घर पर इनवाइट किया है। मेरे पास भी एक बहुत ही धांसू प्लान है। अब देखते जाओ कि मैं उसका क्या हाल करता हूँ। रखता हूँ। ओह माय गॉड, नंदिनी, वो नितिन तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए आया है, उसे घर मत लेकर जाना। मैं नहीं मानती। मैंने सुना है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है वो अपनी जान पर खेलकर मुझे नहीं बचाता। समझ में आ गया? कार लेकर जाओ यहाँ से। चलो माँ, ये नितिन है। ओ, हेलो, नमस्ते। एक मिनट यहाँ। ओ शिट। आओ। हे। रहने दो। थैंक्स। ये जगह मेरी फेवरेट है और वहाँ पर जो गार्डन है ना वो तो बहुत सुंदर है। नो, इट्स ओके। ये लो, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। और ये चक्कर देखो, तुम्हें पसंद आएगी। अरे अभी तो बहुत कुछ है। हाय, ये नितिन है। ओह हाय। हाय, हाउ आर यू? एक मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ पापा। और बेटे कैसे हो? आई एम फाइन, ठीक हूँ। ला मुझे दो, ठीक है ना? बाय।
नंदिनी और कोई नहीं, आपकी नातिन है। देखिए सर, मान जाइए ना प्लीज सर। आपको और आपकी बेटी को मिलाने के लिए नंदिनी इंडिया आकर आपके करीब आ गई। वो सर आपका पेंट हाउस खाली पड़ा है ना, बहुत मुश्किलें झेल कर आपको यहाँ तक लेकर आई है सर। अरे, we are flying to Europe। लेकिन वो नितिन आपका फायदा उठाकर नंदिनी को ब्लैकमेल करके टॉर्चर कर रहा था। मूर्ति अंकल कहाँ है? तुम्हारे नाना ना किडनैप कर लिया उन्हें, अभी उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन से यहाँ आया हूँ सोच रहा हूँ कि उसकी शादी किस तरह से तोड़ूं। अब उसने खुद घर पे इनवाइट किया है। आप अपनी बेटी से भले ही मत मिलिए सर, पर अपनी नातिन की जिंदगी बर्बाद करने का कारण आप मत बनिए सर। तुम्हारी बातों में आकर मैंने तुम्हें अपना पोता मान लिया था, तुम तो धोखेबाज निकले। क्या है ये? बाप और बेटी को मिलाने के लिए बेचारी नंदिनी तड़प रही थी, लेकिन तुम तो मुझे दूर करके और उस लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। छी छी, तुम तो इंसान ही नहीं हो। लेकिन मैं उस लड़की के आंसुओं को, तुम्हारी गंदी सोच को इसके बताने तक नहीं समझ पाया। गलती मेरी थी, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, मैंने गलती की जो तुम्हें इतना सम्मान दिया। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे मन मुटाव तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए अलग हो जाएं। तू हमें अलग करना चाहता था तो ले अब कान खोल कर सुन, यह है नंदिनी, मेरी नातिन है, और इसे देख, ये मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है। अब मेरे परिवार को आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल दूंगा। चला जा यहां से, फिर अपनी शक्ल मत दिखाना, चल। लफंगा कहीं का, मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि इसे यहीं दफना दूं। इतने साल बाद अपने परिवार से मिल रहा हूं, इस वजह से तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना मैं परिवार से मिलना है तो मिल लीजिए ना, रोका किसने? हे भगवान, आपका दिया हुआ मुंह आपकी दी हुई अकड़, अब और रोका नहीं जाता मुझसे। अभी मेरे प्लान के हिसाब से काम होते ही मुझे चले जाना चाहिए था, मुंह बंद करके जा रहा था, लेकिन मेरी क्लास लेते वक्त आप अपने आप को बड़े विवेकानंद समझ रहे हैं, आग निकल रही है, अब सहा नहीं जाता, बस बहुत हो गया। थोड़ा सा ही बोलूंगा गुरुजी, आपको भले ही बुरा लगे लेकिन आपके नितिन की इस हालत की वजह आप नहीं है। बदतमीज, मुझ पर इल्जाम लगाता है। आप महसूस कर रहे हैं वो अहंकार है, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो हकीकत है। मैंने ना समझो जैसा बर्ताव किया, ऊपर से आपका फायदा उठाया, आपको सहा नहीं गया, तो आज आप सबको मेरी बेटी मेरी नातिन कहते फिर रहे हैं। सपोज, जस्ट सपोज, आपकी नातिन जो मुश्किलें झेल रही है, आपकी बेटी कितनी दुखी है ये जानकर, मूर्ति जी आप इनके परिवार से जुड़ जाइए, ऐसा कहता तो आप जुड़ जाते क्या? वैसे भी वो टॉपिक निकाला तो आपने मेरे हाथ काटे थे, याद है ना? साइलेंस। ठीक है, आपको एक ब्रेक देकर आपकी बेटी से पूछता हूं। तो बताइए डॉटर ऑफ मूर्ति जी, इतने सालों बाद आप अपने पिताजी के पास जाकर बात करती तो वो पिघल जाते, ये भरोसा था आपको? यहां भी साइलेंस। ठीक है, मूर्ति जी की नातिन से ही पूछते हैं। नंदिनी जी, आप बताइए, आप तो लोगों के इमोशन से खेलने में एक्सपर्ट हैं, पर आपने भी अपने नाना जी का जुल्म चुपचाप सह लिया, उसकी वजह आपके नाना जी का गुस्सा, अकड़ और गुरूर नहीं है? Come on, 50-50, phone a friend, audience poll, कुछ तो जवाब दीजिए। साइलेंस। ये साइलेंस सबको समझ में आ रहा है ना? असली प्रॉब्लम ये है कि लाइफ शांति से चले तो बोरिंग है, इसीलिए अकड़ गुस्से के नाम से झगड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। कोई मिलाने की कोशिश करे तो और भी ज्यादा झगड़ते हैं, पर अगर किसी ने बीच में आकर छेड़ दिया तब स्टार्ट होती है यूनिटी। यस, यही इसका प्रूफ है। मूर्ति जी, फर्स्ट मीटिंग याद है? ट्रेन में सेम टेक्निक, वहाँ चोर बना था, यहाँ बेवकूफ बनाओ, और बेवकूफ बनकर नंदिनी को उलझाकर मैंने एक प्लान बनाया, उसके जरिए आपको सब पता चल गया, और आखिर में देखिए क्या हुआ, आप लोग हम साथ साथ हैं और मैं हम आपके हैं कौन। नंदिनी, अपनी माँ और अपने नाना को मिलाना गलत नहीं है, लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब वो नाना कैसा है, बात सुनेगा या नहीं ये जाने बिना तुमने प्लान बनाया, और जो भी मिलता गया उसके इमोशन से खेलती गई। फैमिली क्या सिर्फ तुम्हारी है, हमारी नहीं? गुस्सा तो आएगा ना। तब आखिर में मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक इंडिया में बैठकर रोना या यहाँ आकर रुलाना। मैं रोने वालों में से नहीं हूँ, क्या करूँ, बर्थ डिफेक्ट है और इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ओहो, टीजिंग के लिए आए थे ना, तो इस फैमिली को मिलाने के लिए इतने बुरे क्यों बन गए सर? हॉस्पिटल में मेरे प्लान में फंस गए थे ना, तो सोचा था तुम बेवकूफ हो, पर अच्छा सवाल पूछा। मेरी आदत है। बस प्रॉब्लम ये है, जब सवाल पसंद आता है तो जवाब नहीं देता है, जब गुस्सा आता है तभी देता हूँ। मतलब नंदिनी से अभी भी प्यार करते हो ना?
ये हुआ ना मुझे गुस्सा दिलाने वाला सवाल, तो जवाब सुन। आई हेट हर, आई हेट हर, आई हेट हर। I hate her, I hate her, I hate her. आप बताइए, आप तो लोगों के इमोशन से खेलने में एक्सपर्ट हैं, पर आपने भी अपने नाना जी का जुल्म चुपचाप सह लिया। उसकी वजह आपके नाना जी का गुस्सा, अकड़ और गुरूर नहीं है? Hi dear, nice to see you. मुझे पहचाना? Sorry. मैं पिछले हफ्ते आपको चार्ज के पास मिला था। वही पेंटिंग। आपका बॉयफ्रेंड कहाँ है? He's not my boyfriend. He hates me. क्या बोल रही हो? वो तुमसे नफरत करता है? Yes. No way. कुछ तो गलत हुआ है। मेरे साथ आओ। This is my personal art gallery. एक आर्टिस्ट के तौर पर दुनिया के अद्भुत पेंटिंग को कलेक्ट करना मेरी हॉबी है। सिर्फ फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग ही नहीं, कुछ अच्छे पेंटिंग्स भी अपने पास छुपा कर रखे हैं मैंने। अगर तुम इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगी तो पता चलेगा इसके अंदर कितनी गहराई छुपी हुई है। परफेक्ट कैसे बनाते हो? अगर दिल में प्यार हो ना तो खुद बन जाती है। Yes, madam. Is there Mr. Nitin in room number 1002? I'm sorry, he just checked out. मेरे धोखा देने पर भी मेरे लिए तुमने इतना सब कुछ क्यों किया? तुमने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्यार किया है। प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, सिर्फ प्यार देना होता है। यही तो प्यार का मतलब है। मुझे लगा जो काम तुमसे पूरा नहीं होगा उसे मैं पूरा कर दूं, बस यही। अगर सच में प्यार देना जानते हो तो आई हेट यू क्यों कहा? जब प्यार जाहिर किया तब भरोसा नहीं किया, आई हेट यू कहा तो भरोसा कर लिया। Because I love you. I love you. I love you. हॉस्पिटल से जब से तुम मेरे घर पर आए हो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया। अब इतना सब कुछ हो गया उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। I love you. चलो। ए, मेरा बैग लेकर आओ। मैं लाऊं? हाँ तुम जाओ जाओ, होने वाला पति हूँ, सेवा करना सीख लो। चलो जल्दी। अर्जेंटली इंडिया जाना है। क्यों? अरे क्यों क्या, मैंने माँ से कहा तुम आ रही हो, उसने तुम्हारे लिए कॉफी तैयार रखी है।